स्थापित करें, या धर्म को सीधा रखने का प्रयास, इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल कंठासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखे और पैर पीछे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखे। दोनों एड़िया अंदर और कंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं दिल को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखे। और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखें और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, रोटी को जमीन पर स्थापित करें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। आसन जैसे शिकार को भी दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुखंसिरसा आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंधासन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है सभी को समझ लेंगे से ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पेटियों को घुटनों के पास ले जाइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर उठाइए, ब्रिटिश के आकाश शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे एलटीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए, जिसे गर्दन में दर्द है सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस तरह
प्रयास इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यह अभ्यास फेफड़ों का कार्यक्षमता को बढ़ाता है। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल कंठासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखे और पैर नीचे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखे। दोनों एड़िया अंदर और कंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं दिल को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं काल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखे। और इस अभ्यास को मुद्रासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकर आसन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती के पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, रोटी को जमीन पर स्थापित करें, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइड का कमर जैसे शिकार को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुखंसिरसा आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे, जिसे गर्दन में दर्द है सभी को समझ लेंगे से ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पेटियों को ऊपर के पास ले जाइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर उठाइए, ब्रिटिश के आकाश शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रखिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धहलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। अगला अभ्यास हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे, जिसे एबीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति को भी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए, जिसे गर्दन में दर्द है सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस तरह